आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नीट यूजी पोस्टपोन को लेकर एक फिर से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दोस्तों, वो कदम क्या है वो आप सभी को यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस कदम के अनुसार हो सकता है कि आपको फिर से एक बड़ी कामयाबी मिले यूजी पोस्टपोन को लेकर। क्योंकि आप सभी को पता है कि NTA के विनीत जोशी ने यह डायरेक्टली क्लियर कर दिया है कि हमारी अथॉरिटी इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन नहीं कर सकती है। अगर यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से हमें कोई भी रिस्पॉन्स मिले तो NEET UG की जो एग्ज़ाम है वो इजीली यहाँ पर पोस्टपोन हो सकती है। जिसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या है मैं आपको चलिए बताने वाला हूँ। अपने जो होने ही नहीं देते हैं, जो आपको एंड मोमेंट तक एंगेज करके रखना चाहते हैं, वो तो देखना अभी पोस्ट कार्ड का भी, वो इसका भी अपोज करेंगे। देखना कि पोस्ट कार्ड से गवर्नमेंट चढ़ जाएगी, प्रधान जी को बुरा लग जाएगा, उनके इतने घर पे चीजें पहुंचेंगी तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, उनको फायर बैक हो जाएगा, इसका भी अपोज करेंगे वो पोस्ट कार्ड का। इसका भी जो कोचिंग माफिया वाले लोग है ना सर, अगर आप सब एक्टिविस्ट मिल के अगर डिस्कस कर सकते हैं, मतलब मिल सकते हैं, मतलब जैसे जितने सब है, अनुभव मैम है, शुभपाल सर, पहले भी डिस्कस नहीं हुआ था, आपको नहीं पता जो पहले स्पेस हुआ था, जो प्रदीप सर ने स्पेस किया था उसमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो जो आप प्रोटेस्ट की सोच रहे हैं ना, जैसे ड्यू के लिए हुआ है, वो कोई भी एग्री नहीं कर रहा उस पर ना, वो सबके साथ मेरा डिस्कशन हो चुका है उसको लेके, क्योंकि सब तो ट्राई कर लिए ट्विटर में, तो कुछ होने वाला नहीं। हाँ, मैं देखो ये आपकी बात से टोटली एग्री कर रहा हूँ ना, लेकिन मुझे पता है, लेकिन आप जब नहीं कर रहे तो कम से कम एक पोस्ट कार्ड वाला और कर लेते हैं। ये तो आपको 25-30 रुपए खर्च होंगे आप लोगों के इस पोस्ट में। एक पोस्ट कार्ड में आपने कोई भी पेपर वेपर लेके, जैसा भी अच्छे से, जैसे आप कार्ड बनाते हैं ना उसमें अपने लिखो, इमोशनल चीज है, और उसको कुरियर कर दो। हाँ, कर सकते, तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। ठीक है, फिर भी आप ट्राई कीजिए, अगर अपॉइंटमेंट मिल सके हम लोग भी कर दे। अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट तब मिलता है जब उनको दिक्कतें होती हैं। आपको क्या लगता है भाई, प्रधान सर मेरे चाचा तो है नहीं कि मेरे को अपॉइंटमेंट दे देंगे कि आज अपॉइंट बढ़ाना मिल ले, समझ गए ना? ना विनीत सर मेरे चाचा लगते हैं, तो अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं मिलता है। अपॉइंटमेंट तभी मिलता है जब किसी को कुछ दिक्कतें होती हैं, उनको कुछ परेशानी हो रही है, बताओ मुझे। नहीं हो रही ना किसी को भी कोई दिक्कत, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलना। मैंने बहुत कोशिश कर ली, सिर्फ मैं, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो एजुकेशन मिनिस्टर सर है वो घर पे ही नहीं मिलते हैं। मैं 2 बार जा चुका हूँ, आपको पता होगा, उनके PS मिलते हैं। अब वो एक दिन आए भी थे बीच में, उस दिन उनकी मिनिस्ट्री में मीटिंग थी, कैबिनेट चले गए। जब कैबिनेट चले गए तो कैबिनेट में तो भाई इतना बड़ा राजा दोनों नहीं, मैं कैबिनेट में चला जाऊंगा अंदर। तो अभी क्या है कि लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है एक बार ही, इमोशनल ब्लैकमेल करने का। और जब फिजिकली ब्लैकमेल होता है ना, उसका अलग फर्क पड़ता है। ब्लैकमेल का मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, सिर्फ ऐसा तो है नहीं, कुछ अलग चीज कर रहे हैं। एक बार ही रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, अभी तुम देखना, अभी मेरे खिलाफ अभी चीजें डालेंगे कोचिंग माफिया की, पोस्ट कार्ड से ये हो जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, देखना। ये कोचिंग माफियाओं के 2-4 लोग हैं, वो आपको भी पता है। ये तो पीसफुल है, इससे अच्छा तो और कुछ है नहीं। इससे क्या, ये तो पीसफुल नहीं है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इतना डिसेंट है पोस्ट कार्ड भेजना और अपनी बात रखना, क्योंकि कई बार ही ट्विटर को सब लोग ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं। जैसा अभी नवनीत ने बोला था कि भाई ट्विटर हमने इतना बड़ा कैंपेन चला रहे हैं, और एक चीज और है ना, ऐसा तो है नहीं कि अकेले हम ही प्रधान सर को या मोदी जी को टैग कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोग कर रहे होंगे अलग अलग इश्यूज में, अब वो भी कहां तक देखेंगे। खैर, वो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ये पोस्ट कार्ड वाला हम जो है इसका और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए सभी लोग एक पोस्ट कार्ड बनाए, ठीक है? ओके सर, तो पोस्ट कार्ड बनाइए सभी और कल कुरियर कीजिए। मैं एड्रेस आप लोगों को बता दूंगा अभी थोड़ी देर में ही कि कहाँ पर करना है। बाकी यश कुछ कहना चाहते हैं? हेलो, हाँ यश जी बोलिए। रेस्पेक्टेड प्रधान सर, पवन सर, थैंक यू माइक देने के लिए। सर, हाँ, ये बात बोल रहा था
सर इस साल ना मेरे को जैसा लगता है कि गवर्नमेंट हमें एक काइंड ऑफ वो लैम्प नहीं होता सैक्रिफिशियल लैम्प, वो बकरा वो बना रही है, क्योंकि इन लोगों को किसी भी हालत में सेशन को वापस मई में लाना है। इस बार ये लोग एग्जाम में जुलाई ले लेंगे तो अगले साल की जो नीट होगी वो लोग मई में लेंगे शायद, जैसा मेरे को लगता है। तो सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जैसे पिछले साल बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे बीजेपी के एक लीडर हैं बट बीजेपी उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करती, डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी हुए, या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी बात चाह के भी पार्टीज इग्नोर नहीं कर पाती, क्योंकि ये लोग राज्यसभा मेंबर्स रह चुके हैं और उन लोगों ने पास्ट में भी एस्पिरेंट्स की मदद करी है और उनकी बात लोग उनको सुनना पड़ता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। मतलब दीज लीडर्स आर फ्रॉम इमरजेंसी, इंदिरा गांधी इज इमरजेंसी, ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं। अगर हम इन्हें अटैक करें और ये लोगों ये हमारी बात हमेशा सुनते हैं और ये लोग अगर बोलें तो शायद हो सकता है, मे बी ये एक सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि इस साल ये लोग वेल डिटरमाइंड आए हैं बिल्कुल, एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा डिटरमिनेशन के साथ है कि इस साल किसी तरह एग्जाम पहले लेना है और उसके बाद अगले साल इससे भी पहले मतलब नॉर्मल सेशन में लाना है मई में किसी भी हालत में। और अगर ऐसे लीडर्स बोलेंगे जिनको ये लोग चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग बीजेपी के ही हैं और बहुत बड़े लीडर्स हैं, तो शायद ये लोग हमारी बात सुने मे बी। थैंक यू सर। मैं देखिए वो चीज समझ सकता हूँ, लेकिन उन तक पहुंचा कैसे जाएगा, क्वेश्चन ये उठता है ना सर। सुब्रमण्यन स्वामी सर जो है ये इनके बारे में बस मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, बाकियों की बात नहीं कर रहा, वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं बहुत ज्यादा और इनका खुद का एक पॉडकास्ट भी चलता है VHS करके यहाँ यूट्यूब पे, और वहाँ पे ये लोग स्टूडेंट्स की कंसर्न सुनते हैं उनका। इनफैक्ट इनका ये तक कहना है कि इनके जो व्यूअर्स होते हैं हमारी एज के वाले ज़्यादा होते हैं, 20 से 25 साल वाले, 19-20-25 साल वाले, तो इन तक रीच करना स्पेशली ये राज्यसभा मेंबर जो है सुब्रमण्यन स्वामी, इन तक पहुँचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा। अगर कुछ 10,000 ट्वीट्स भी होंगे तो ये आई एम डेड श्योर कि ये रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। तो ये कैसे किया एक बार करके देखते हैं। सर एक बात बोल दो कि सुब्रमण्यम स्वामी को बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उनको कोई मायने में नहीं लेते, ऑलरेडी वो बीजेपी के अगेंस्ट बात करते हैं ऑलरेडी, उनको ये बात मैं समझ रहा हूं क्यों बोल रहे हो, बट दूसरा कोई होगा तो वो ले सकते, लेकिन उनको तो अभी टिकट भी नहीं दिया राज्यसभा का इस बार। अरे वो टिकट नहीं दिया लेकिन वो एक उनका बात यही है, हमेशा मोदी जी का इग्नोर नहीं कर सकता, यू कैन नॉट इग्नोर सुब्रमण्यम स्वामी। अरे 25 लाख को इग्नोर करे और एक को इग्नोर कर लेगा। अरे भाई हम लोग स्टूडेंट्स हैं, 25 लाख तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो राज्यसभा मेंबर है, हम स्टूडेंट्स हैं, राज्यसभा का मेंबर भाई 2000 लाख नहीं है। देखो भाई 2020 में भी उन्होंने बोला था कुछ नहीं हुआ। हां क्यों नहीं हुआ भाई, नीट पोस्टपोन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे 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 झगड़ा मत करो, अरे मई में ही सुब्रमण्यम स्वामी का ईमेल निकलवाए थे वहाँ से, मतलब मेल भी किए थे लोग, उधर कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं आया उनका, और अभी तो बहुत कम समय बचा है तो शायद वो इस मैटर में ना पढ़ना चाहें। अब कितने दिन बचाएंगे, मई में ही उनके जो मेन ग्रुप था एक तो शुरुआत में अगर तुम लोग उसमें नहीं होगा, उसमें हम लोग मेल करवाए थे, बहुत से लीडर थे बड़े बड़े उसमें, ये सुब्रमण्यम स्वामी भी थे। उनका लगभग 10,000 मिल गया होगा उनके पास, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एक ट्वीट भी नहीं। इन लोग पे सब ऐसे